बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी हाँ, तो आज मैं जा रही हूँ बाज़ार, आई मीन भावलपुर, शॉपिंग करने के लिए। तो बारिश भी हो रही है, ये देखिए मौसम। सोचा साथ में आपको जो है ना वो थोड़ा सा गांव की सैर भी करा दूँ कि हमारे घर के बाहर का व्यू जो है वो कुछ इस तरह से है। ये देखिए इस तरह से। बाय बाय सिंपू। देखिए तो ये कुछ इस तरह से है हमारे गांव का व्यू। चले ये देखिए, ये सब्जियां है ना हमारी। ये जी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा गेट। ये सारी सब्जियां जो कि अभी, ये देखें, ये है जी हमारी गंदम जो कि बिल्कुल ही माशाल्लाह से तैयार है। हाँ जी, यहाँ पे कभी गन्ने हुआ करते थे। ये देखिए बारिश है ना, सारी सड़कें जो हैं वो खराब हुई पड़ी हैं। और ये हमारी यूनियन काउंसिल का ऑफिस, ये है हमारा गर्ल्स हाई स्कूल। ये सारी बिल्डिंग उसी की है। और ये हो गया हमारा बॉयज हाई स्कूल। तो ये देखिए, ये है जी हमारे प्ले ग्राउंड, जिसमें बच्चे जो हैं क्रिकेट गेम्स वगैरह अपनी खेलते हैं शाम में ना। तो ये है, ये देखें इस तरह से। अब ये है तकरीबन फसल जो है वो तकरीबन तैयार है गंदम की। ये देखें माशाल्लाह से हर तरफ जो है ना ऐसे सोना बिखरा हुआ है। ये कोई घास आई थी, घास किया हुआ ना। अच्छा, फसलें तकरीबन पक गई है ना, ये तकरीबन सारी है फसल जो है वो तैयार है। हाँ ये मकई है, छोटी नहीं है अभी। काफी बारिश की वजह से गिर भी गई है गंदम है ना। काफी अल्लाह पर कर डालने वाला है ना। Thank you.
छोटी सी नहर है जो कि सूख चुकी है। हाँ 6 महीने वाली है ना ये, 15 अप्रैल के बाद। ये देखिए ये गंदम भी तकरीबन तैयार है। ट्रैक्टर ट्राली इधर क्या कर रहा है? इतनी ज्यादा घास काटनी है इन्होंने? ये भी एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल ना। तो ये वाली जो सड़क है ये मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल ही कवर्ड है ना, खासतौर पे गर्मी में ना यहाँ से गुजरते हुए बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ठंड ठंड सी फील होती है। तो ये देखिए जिस तरह से ये दरख्तों से कवर है और माशाल्लाह से ये देखिए सड़क भी कितनी साफ सुथरी है ना हमारे गांव की, ये बिल्कुल कारपेटेड रोड बिछाया हुआ है हमने ना, ताकि आने जाने में कोई मसला ना हो। यहाँ से रोड आउट किया है पत्थर, वो जो सड़क तैयार है, फसल तकरीबन बस 10-12 दिन में गंदम की कटाई हमारे इलाके में तो शुरू हो ही जानी है ना। तो ये देखिए आगे हो रही है स्टार्ट हमारे इलाके की, छोटी सी मार्केट है ये जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिल जाती है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से शॉप्स जो हैं वो शुरू हैं। तो ये देखिए ये सारी हमारी मार्केट है, अभी सुबह सुबह का टाइम है और बारिश भी हो रही है, तो इसलिए तकरीबन ना जुमे का दिन भी है, तो इस वजह से जो है दुकानें तकरीबन आलमोस्ट बंद हैं। शहरों में तो इस चीज़ की इतनी पाबंदी नहीं होती, जुमे की वो फर्स्ट टाइम खोल देते हैं, फिर जुमे की नमाज़ के टाइम तक वो चलती हैं, फिर उसके बाद वो बंद कर देते हैं। लेकिन गांव में बाकायदा ये तकरीबन आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी मार्केट जो है वो बंद है, जस्ट वो दुकानें खुली हैं जो मतलब ग्रोसरी आइटम्स हैं ना जहाँ से मिलते हैं, तो वो तकरीबन वो खुली होंगी। बाकी देखिएगा सारी ये दुकानें, ये देखिए सब्जी वाली दुकान जो है वो खुली है, और जो है ये वाली सारी, बाकी तकरीबन मार्केट जो है वो बंद है। ये देखिए लक्कड़ मार्केट है, ये अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, अंदर जो चली जाए ना तो ये हमारे गांव की एक छोटी सी मार्केट है, जहाँ है तो काफ़ी बड़ी, मतलब शहर की निस्बत तो ये वो है ना छोटी है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सब कुछ मिल जाता है ना, ये देखिए सिर्फ जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वही चीज़ें यहाँ पे खुली हैं दुकानें, बाकी सारी बंद है क्योंकि आज जुमा है। तो बस ये लें, यहाँ पे हम मेन हाईवे पे चढ़ाए हैं, तो यहाँ पे आई थिंक कोई ट्रैफिक बंद है या पता नहीं क्या मसला है। तो बस ये इतना सा था मेरा व्लॉग, मेरे गांव की एक छोटी सी सैर थी। ये देखिए यहाँ पे सारी ये दुकानें पेंट्स की और ये सारी ना
ये दाता वालों की, दाता वाले जो है वो बहुत मशहूर है हमारे भावलपुर की, एक ब्रांड का नाम है बेकर्स में से ना, जिस तरह से केक्स एंड बेक्स हो गया और इस तरह गोरमे हो गया, तो यहाँ पे जी हमारे दाता वाले जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं। शीरी महल हो गया, दाता वाले हो गए, शंगरीला वाले हो गए, ये हमारे भावलपुर की माशाल्लाह से जी ये ब्रांड्स हैं। जी ट्रैफिक यहाँ पे बंद है, आई डोंट नो क्यों बंद है, लेकिन ट्रैफिक ये देखिए सारी जैम है हाईवे पे ना। चलें ट्रैफिक से निकलते हैं, तो फिर मैं अभी लॉक को कंटिन्यू करती हूँ ना, ठीक है। आई थिंक कोई एक्सीडेंट है, रश है ना, कोई एक्सीडेंट ही लग रहा है मुझे। तो ये जी ये देखें, ये सारी ट्रैफिक जो है ये ब्लॉक ही हुई है, कुछ पीटीआई वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने सब पूरी आवाम को जलील किया हुआ है ना इस तरह से, ये कई मतलब मीलों तक ये ट्रैफिक जो है बंद हो गई है, और फिर उसके बाद ना दे के बेशक पीटीआई वाले हम जलील तो हो रहे हैं ना। अब इनमें कोई मरीज भी हो सकता है, कोई किसी को इमरजेंसी भी जाना पड़ सकता है, पता नहीं लोगों को क्या जरूरत है ना। ओ आ भी गई, मोटरवे वाले भी आ गए, आई थिंक एम्बुलेंस है कोई, मैंने समझा पुलिस की गाड़ी है। यार अगर करो ना भाई, ट्रैफिक रुक गई है तुम्हारी वजह से। पुलिस वाले हैं बेटा, इनसे बोलो ये आग निकाल दे। किसी को भी नहीं पता चला। अच्छा बेटा एक मिनट रुक जाओ, कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे आइसक्रीम खा के ना आपकी। अब हम घर जा रहे हैं वापस, तो उसकी यही मसला हो गया कि वहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक है। ये देखें सारी जो रोड से ये लोग यहाँ से आ रहे हैं शॉर्टकट से ना, ट्रैफिक सारी उन्होंने ब्लॉक की हुई है। देखें ये सारी गाड़ी गाड़ी है, छोटी सी सड़क है कहाँ से वो करेंगे ना। ये बेटा हमारे गांव का ना शॉर्टकट रास्ता है जो मेन हाईवे पे और जाएगा, पहले वाले हाई पे तो ट्रैफिक ब्लॉक है ना, तो इस वाले उस पे जाएंगे। ये इनका भी गांव है? हाँ नहीं उनका गांव नहीं, ये सिर्फ हमारा गांव है, तो मुसाफिर है। हम ऊपर से अल्लाह देख रहे हैं। हाँ ऊपर से अल्लाह मियाँ देख रहे हैं, अल्लाह मियाँ देख रहे हैं, सबका गांव है, सबका गांव है। हाँ जी बेटा यहाँ पे जंप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद मैं व्लॉग एडिट ना कर वो बना सकूँ, तो अगर मेन हाईवे पे हमें कोई रास्ता मिल जाता है तो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी ना। ये देखिए गंदम गिर के ना हर तरफ एक ही हाल है बारिश की वजह से। गन्ना है? हाँ ये गन्ना है, लोगों ने अभी भी गन्ना लगाया, हमने तो ख़त्म कर दिया। ये गांव की एक छोटी सी मस्जिद है, ये देखिए ये हाँ घर के अंदर ही लोगों ने बनाई होती है। अच्छा चले ट्रैफिक ब्लॉक होनी थी,
हमने इस शॉर्टकट से आना था, थोड़ा ये और इंजॉय करना था, है ना? ऐसे ही है ना अब्दुल्ला के बाबा? ओ देखो ये गुलाब के फूल है ना जी? नहीं नहीं नहीं, कोई और फूल है, कोई और फूल है। मामा आपको ये फूल पसंद है? हाँ जी। उन्होंने इतनी ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है तो वो इतनी जल्दी तो नहीं खोलेंगे ना, कोई मुजाकरात करेंगे तो फिर खोलेंगे, या पीछे से कोई ऑर्डर आएगा तो फिर खोलेंगे ना, ऐसे तो नहीं खोलेंगे। पुलिस वाले पकड़ के जब जाएंगे, ये देखिए बस ऐसे ही होता है। शुक्र है जी, हम इतने घंटों की के बाद जो है हम हाईवे पे चढ़ तो आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। देखिए वो निकल गया भाई, हौसला कर। वो खड्डे वाला रोड था, कहता है वो नकली रोड था, ये असली रोड है बेटा। वो ना थोड़ा सा खराब था, वो भी रोड था ना अपने घर का रास्ता। हाँ वो अपने घर का रास्ता था ना, और घर का रास्ता बहुत प्यारा होता है जैसे भी होता है। चलो जी पहले पेट्रोल डलवाएं। हम कहाँ जाए? तो जी फाइनली जो है हम 3 घंटे की जो मुसाफत करके क्रॉस करके हम मेन हाईवे पे आ गए हैं। तो ये सामने जी है हमारी जो वो शुगर मिल है। तो बस यहीं तक मैं अपना व्लॉग को करती हूँ एंड। दिखानी तो आज मैंने आपको अपने गांव की सैर करानी थी, लेकिन चलें कोई नहीं, जो भी हुआ खुदा को जो मंजूर था वही हुआ। तो बस मैंने सोचा आप बहन भाई के साथ शेयर कर लूँ। तो ये देखिए जी, ये जा रही है थ्रेशर हार्वेस्टर, सॉरी गंदम काटने वाली ना, इसे गंदम काटी जाती है। इसके अंदर बैठना है, अच्छा जब अपनी ज़मीनों में आएंगी ना फिर आप बैठ जाना। तो जी बस यहीं पे मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कि अच्छे से व्लॉग के साथ, और नेक्स्ट व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी सिटी के अंदर जाके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अलानी के बाद।